डॉक्टर शाह मोहम्मद शेख ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिला अवस्थी का चार्ज संभाल लिया। कंज्यूमर न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर शाह मोहम्मद शेख ने बताया वो इससे कबल HIV एड्स कंट्रोल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी में भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उनका कहना था कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बड़ी आबादी वाला जिला है, बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उनकी यही कोशिश होगी कि शहरियों को सेहत से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं और गवर्नमेंट के जो भी अस्पताल और दीगर मराकज सेहत है उन्हें अपग्रेड किया जाए ताकि शहरियों को प्राइवेट अस्पतालों जैसी सहूलियात और अदवियात मुफ्त मिल सकें। पोलियो से मुतालिक उन्होंने कहा कि शहरियों में अपने बच्चों को पोलियो जैसे लाइलाज मर्ज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का रुझान बढ़ रहा है, ताहम जो इनकारी वालदेन या स्कूल इंतजामिया उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जाने से मुकम्मल आगाही और मालूमात फराहम की जा रही है जिसकी वजह से उनके शकों को शुभात दूर हो रहे हैं और कवरेज बेहतर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाह मोहम्मद शेख ने कहा कि सेहत का शोबा आमदनी के जरिए और मुलाजमत के साथ साथ इबादत भी है। उन्होंने अपने तमाम स्टाफ को हिदायत की कि वो सेहत के मामले को इबादत समझें और पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दें, ताहम अगर फराइज की अंजाम दही में कोई मुश्किल दरपेश आती हैं तो वो उन्हें हर तरह से सपोर्ट करेंगे। मेटरनल हेल्थ के हवाले से, चाइल्ड हेल्थ के हवाले से, जनरल पॉपुलेशन हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली प्रोवाइड कर सकें, तमाम जो है मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें, तमाम फैसिलिटीज को आस पास करीब। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, पोलियो के हवाले से अभी उसमें जो है पोलियो इतने अरसे से चल रहा है, इस तरह के कंसर्न लोगों के काफ़ी दफ़ा आए हैं डिफरेंट हवाले से कि भाई पोलियो के ड्रॉप्स जो है ये मसला है, कुछ पेरेंट्स का रिफ्यूज़ल होता है, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, जो सपोर्ट है, वो हमें इसमें काफ़ी हेल्प आउट करती है कि हम जो ऐसे रिफ्यूज़ल होते हैं वो हम उनको ब्रेक करके हम उनको कर रहे हैं। तो इधर मैंने देखा है अलहमदिल्ला काफ़ी कवरेज है हमारी जो पोलियो में, जो तकरीबन जो रिफ्यूज़ल है वो कवर कर लेते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से। जितने स्कूल से ऐसे चंद एक जिनको मिसकंसेप्शन है और इस तरह की जो वो है कंसर्न, वो हम उनको प्रॉपरली गाइड करके और हम उनको ये फैसिलिटेट वो कर सकते हैं, कन्वेंस कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब भी किसी ऐसे ऑफिस में ऊपर की पोजीशन पे जब कोई नया अफसर आता है तो मुलाजमीन भी ज़रा परेशानी हो जाती है, उनको भी क्या पता नहीं अफसर कैसा है, क्या करेगा, हमारे साथ क्या सलूक होगा, ये क्या होगा, पिछली शिकायतों का क्या होगा, अगली शिकायतों का क्या होगा, तो मुलाजमीन के लिए क्या मैसेज है? मैंने आते ही जो जितने भी हैं वो मेरे स्टाफ जितने एम्प्लॉइज हैं, मैंने उनसे कहा है भाई आप अपना काम अपनी ऑनेस्टली करें और अपना जो है इसका जो ये हमारा जो हेल्थ का शोबा है ये सिर्फ ड्यूटी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, एक इबादत की तरह भी है। आप जितना लोगों के साथ सर्व करेंगे, जो अपनी ड्यूटी करेंगे उसका जो है ना अजर भी मिलेगा साथ ही। आप अपनी ड्यूटी करें, उस हवाले से जो आपको प्रॉब्लम्स हैं मैं आपके वो फैसिलिटेट करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर जो आप नेगलिजेंस करेंगे ड्यूटी में तो फिर जो है मुझे मजबूरन आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। बाकी ये है कि आप अपनी ड्यूटी करें जिम्मेवारी के साथ, मैं आपके साथ हर तरह।